हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन रेशियो 4:9। ठीक है, यानी दो सर्कल के एरिया का जो रेशियो है वो अपने को दे रखा है क्या, 4:9। ठीक है बेटा, 4/9 दे रखा है, उसके सर्कमफ्रेंस का रेशियो अपने को निकालना है। तो एरिया आपको पता है फॉर्मूला होता है पाई, पहले वाले की रेडियस r1 लेट करेंगे तो पाई r1 स्क्वेयर अपॉन में दूसरे वाले की रेडियस r2 है तो पाई r2 स्क्वेयर। ये अपने को दे रखा है बेटा 4/9। ठीक है, जब भी अब देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने इसको लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 की होल स्क्वेयर, है ना, ये आ गया 4/9। तो जब अपने यहाँ से स्क्वेयर हटाएंगे तो सामने वाले के ऊपर आ जाएगा रूट। ठीक है बेटा, 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट होता है 3। अब अपने से पूछा है सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। इसका अपने को पूछा है भी उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 2π r1 अपॉन 2π r2। 2π से 2π कैंसिल और r1 अपॉन r2 तो अपने ने फाइंड कर ही लिया 2/3, तो इसलिए अपना जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, 2:3। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो इस टाइप के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आज करवा दिया गया है। ठीक है, 1-1 क्वेश्चन करके अपने कंप्लीट करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन। चैप्टर नंबर ये 12 चल रहा है आपका। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।